तो आपने देखा होगा सांभर काफ़ी जगह बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। इसमें देखिएगा वेजेज में आपको दिखा होता है, ये देखिएगा कितनी सारी वेजेज इसमें डली हुई है। आलू है इसके अंदर और क्या ही चाहिए, मतलब और जगह होगा बिल्कुल पानी सा होता है बट ये काफ़ी गाढ़ा है। बुराड़ी के अंदर इससे बढ़िया आपको ना तो डोसा मिलेगा ना तो आपको ये पाव भाजी मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल फूडी। आज हम आए हैं कौशिक इनक्लेव में और नवरत्न फूड्स पर आज हम ट्राई करेंगे काफ़ी सारी वेराइटीज़। और देखिएगा यहाँ पर आपको चाइनीज़ मिल जाएगा, अभी रिसेंटली यहाँ पर हॉट डॉग मिलना स्टार्ट हो गया है और काफ़ी अच्छी शॉप है। यहाँ के आइटम ट्राई करते हैं और दिखाते हैं आपको कि टेस्ट कैसा है और वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा कि यहाँ पर क्यों आया हूँ मैं। तो ये लग चुका है हमारा डोसा बैटर, ये देखिएगा काफ़ी बड़ा तवा है। और ये आलू का डोसा लग रहा है भैया, तो ये आलू का डोसा लग रहा है हमारा। तो अभी ये तेल गिर चुका है इस पर और ये स्टफिंग वाली आलू, ये देखिए इसको भी अच्छे से लगाया जा रहा है। यहाँ पे मटर भी है इसमें, आलू की स्टफिंग काफ़ी बढ़िया लग रही है देखिए देखने में। अभी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा हमारा। तो ये देखिएगा गाइस हमारा डोसा रेडी हो चुका है, काफ़ी अच्छी स्टफिंग है। ये देखिए देखिए काफ़ी अच्छे से स्टफ़ किया हुआ है इन्होंने, ये आप देख रहे हो। और ये है इनका सांभर और ये नारियल की चटनी, तो ये काफ़ी अच्छे से स्टफिंग किया हुआ है। अभी करते हैं इसको ट्राई और बताते हैं आपको यहाँ का टेस्ट कैसा है। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स इन्होंने डाल रखे इसमें, अब ट्राई करेंगे हम दूसरी चटनी अपनी, ये केले की है गार्लिक। तो गाइस सीरियसली टेस्ट काफ़ी अच्छा है यहाँ का और मैंने अभी डोसा ट्राई करा है, डोसे का टेस्ट भी बहुत बढ़िया और जो इसमें स्टफिंग हुई है वो भी काफ़ी अच्छी है और इसमें काफ़ी सारी वेजेज गिरी हुई हैं जो कि बहुत बढ़िया टेस्ट है। और चटनी तो बहुत ही अच्छी है यहाँ की, गार्लिक वाली चटनी काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस मैं बताता हूँ यहाँ पर हम अभी क्यों आए हैं। आपने देखी होगी मीरा चाप की वीडियोज़ जिसमें आप लोगों ने हमें सजेस्ट किया था कि नवरत्न फूड्स पर ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर हमने खाया अभी डोसा और अभी हम लगवाएंगे अपने लिए पाव भाजी। तो पाव भाजी भी यहाँ की काफ़ी अच्छी है और बात करेंगे अभी यहाँ के ऑनर से। तो ये आ चुकी है हमारी पाव भाजी की प्लेट, ये देखिएगा अमूल मक्खन में बिल्कुल तले हुए हैं ये देखिए। काफ़ी बढ़िया लग रही है देखिए देखने में। तो भाई टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो तो टेस्ट दोनों का ही काफ़ी बढ़िया है और इवन पूरे आप बुराड़ी के अंदर इससे बढ़िया आपको ना तो डोसा मिलेगा पाव भाजी मिलेगी। तो टेस्ट के मामले में काफ़ी अच्छा है ये, आप यहाँ पे आ सकते हैं। अभी शॉप की टाइमिंग लोकेशन हम यहाँ के ऑनर से जानेंगे, तो ये बात करते हैं यहाँ के ऑनर से। नमस्कार सर, सर नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शक्ति है जी। तो शक्ति जी आपको जैसे ये कॉन्सेप्ट कैसे मिला नवरत्न फूड्स, क्योंकि काफ़ी यूनिक नेम है ये और बुराड़ी में काफ़ी फेमस होता जा रहा है। देखिए हमारे पुरानी कहानियों में एक नाम आया करता था नवरत्न,
जिसमें राजा के दरबार में कुछ विशेष व्यक्ति हुआ करते थे अपने अलग अलग क्वालिटीज के साथ, वैसे ही हमारे पास जो भी खाना है उसकी अपनी एक अलग क्वालिटी, अलग पहचान है। इसी वजह से मैंने अपने इसका फूड आउटलेट का नाम जो है नवरत्न रखा है। तो सर टाइमिंग क्या रहती है आगे? टाइमिंग सुबह 11 से शाम को 10 बजे तक। सुबह 11 से शाम को 10 बजे जी। और क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास? जो है चाइनीज तंदूरी आइटम और बर्गर स्नैक्स कॉन्टिनेंटल में, और साउथ इंडियन है, इंडियन भी है, चाट के आइटम भी है, गोलगप्पे वगैरह जो कुछ भी है। तो टोटली A to Z फूड का सोल्यूशन हमारे पास है। एड्रेस क्या पड़े है, लोकेशन अगर किसी को आना हो तो? हमारे शॉप की लोकेशन पड़ेगी नाथूपुरा बुराड़ी मेन रोड, सोपुटा रोड जिसको हम लोग कहते हैं, और ये सामने पास में ही जो है बुराड़ी हॉस्पिटल पड़ता है, तो इसके ऑपोजिट ही हमारी शॉप है, कौशिक इनक्लेव बुराड़ी। स्विगी जोमेटो दोनों प्लेटफॉर्म पे जो है हमारा फूड आउटलेट जो है वो मिल जाएगा आपको, और इसके अलावा भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एरिया में हम लोग जो है होम डिलीवरी भी कर देते हैं। तो होम डिलीवरी के चार्जेस रहते हैं? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। तो फ्री होम डिलीवरी भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। और मैंने अभी 2 आइटम यहाँ के ट्राई करे और दोनों आइटम काफ़ी अच्छे लगे। पूरे बुराड़ी में मैं आपको कह सकता हूँ ये बात कि पूरे बुराड़ी में आपको इससे अच्छा टेस्ट और कहीं नहीं मिलेगा। तो गाइस हमारे ही व्यूअर्स ने हमें कमेंट किया था कि नवरत्न फूड्स पे आए, तो इसलिए मैं आया। और अगर आपको कहीं ऐसी लोकेशन पता है जहाँ पर ऐसे ही अच्छा टेस्टी फूड मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और हम वहाँ पर बिल्कुल जाके खाएंगे और बताएंगे आपको टेस्ट। और ट्रैवलर फूड ही आते रहेंगे, आपको नया टेस्ट दिखाते रहेंगे। आप अपनी भूख बचा के रखना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।